हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आपकी होस्ट फ्रेंड एंकर निशा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल SS होम्स में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए हाजिर हो चुकी हूँ बहुत ही प्यारा सा विला लेके, जो कि आप ही के बजट में रहने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके बजट में ही आपके लिए प्यारा सा विला लेके आई हूँ। तो मेरी आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बिना वीडियो को स्किप किए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपके विला के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट बात, मैं आपसे लोकेशन की बात करूँ तो मेन कालवा रोड से मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस में आपका विला लोकेटेड है। एंड डायमेंशन की बात करूँ तो 22x40 के डायमेंशन के साथ में 98 स्क्वायर यर्ड्स में आपका विला पूरा बनकर रेडी है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी उससे पहले विला का टूर स्टार्ट करने से पहले हम सराउंडिंग एरिया देखेंगे एंड फ्रंट एलिवेशन लुक भी देखेंगे, उसके बाद करेंगे आपके विला का टूर। आपने फ्रंट एलिवेशन लुक देख के आइडिया लगा लिया होगा कि जब आपका विला बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। तो मैं फिर से आप सब लोगों को यही बोलूँगी कि बिना वीडियो को स्किप किए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए चलते हैं आपके विला के टूर पे। तो उससे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आप अपनी ग्रीनरी को मेंटेन कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग इसको अपना यूटिलिटी एरिया बना सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नेम प्लेट के लिए इतना अच्छा स्पेस मिल जाता है। आप आराम से यहाँ पे अपने नेम प्लेट को मेंटेन कर सकते हैं। एंड ये आ जाता है आपका बर्म एरिया। आप देख सकते हैं स्टेयर्स के वर्क के साथ में काफ़ी अच्छी हाइट तक आपको बर्म एरिया मिल जाता है। एंड मैं आपके एंट्री डोर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज़ का एंड बहुत ही अच्छी डिको स्प्रे के साथ में आयरन की क्वालिटी के साथ में आपको यहाँ पर मेन गेट मिल जाता है। एंड आप एंट्रेंस में फोर सेलिंग देख लीजिए, कलरफुल लाइटिंग के वर्क के साथ में बहुत ही प्यारी आपकी फोर सेलिंग का वर्क रहने वाला है। एंड आप यह आ जाता है आपका पार्किंग एरिया। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल टाइल्स का वर्क आपको पार्किंग में मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है आपका बिग साइज का वाटर टैंक प्रोविजन। आराम से यहाँ पे आप 7 से 8 हज़ार लीटर तक वाटर स्टोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मोटर के लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है। क्या जाता है आपको मीटर के लिए वुडन का बॉक्स आपको रेडी करके दिया गया है। एंड यहाँ पे यह आ जाता है आपका लोबी एरिया। स्टेयर्स के साथ में आपको लोबी एरिया मिल जाता है। काफ़ी अच्छे स्पेस में आपका लोबी एरिया रहने वाला है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूटिलिटी एरिया बना सकते हैं। यहाँ पे भी फोर सेलिंग देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी रहने वाली है। अगर मैं आपके एंट्रेंस की बात करूँ तो आपकी यहाँ पे ड्यूअल एंट्रेंस रहने वाली है। फर्स्ट आपके गेस्ट रूम से, सेकेंड आपके लिविंग एरिया से। तो लिविंग एरिया से चलिए चलते हैं आपके विला के अंदर। तो 3 स्टेप्स के बाद में हम यहाँ से करेंगे आपके लिविंग एरिया में एंट्रेंस। तो उससे पहले यहाँ बाहर आप देख सकते हैं आपको स्टेयर्स मिल जाती है जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ग्रेनाइट के वर्क के साथ में आपकी स्टेयर्स रहने वाली है। एंड मैं रेलिंग्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की SS की आपकी यहाँ पर रेलिंग्स आपको स्टोर करके दी गई है। यहाँ से हम आ गए हैं आपके लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया में आते मेरी नज़र सबसे पहले आपके एंट्री डोर पे गई। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल आपका एंट्री डोर रहने वाला है एंड बिग साइज का आपको यहाँ पे एंट्री डोर आपको मिल जाता है। यहाँ जाता है आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में एंट्रेंस करते ही सामने ही आपको मिल जाता है आपका LED पैनल। आप देख सकते हैं बिग साइज का आपका LED पैनल रहने वाला है। यहाँ पे आप बिग साइज की LED अपनी मेंटेन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो स्पेस मिल रहा है इसे आप अपना सोफ़ा सेट स्टोर करके इसे और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एंड वॉल देख सकते हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन में आपका वॉल रहने वाला है। एंड फोर सेलिंग भी लाइटिंग के वर्क के साथ में आपको मिल जाती है। यहाँ पे आ जाता है आपका वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाती है। प्रॉपर आपको यहाँ से एयर सनलाइट मिलती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कॉमन बाथरूम मिल जाता है। इंडियन सीट के साथ में आपको कॉमन बाथरूम रहने वाला आप देख सकते हैं।
एंड यहाँ पे आपको जस्ट सामने ही आपको यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया मिल जाता है। वॉश बेसिन आपको यहाँ पे स्टोर करके दिया जाएगा। यहाँ से होती है आपके मॉड्यूलर किचन की एंट्रेंस, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ में एंड बहुत ही प्यारे वर्किंग स्टेशन के साथ में आपको आपका मॉड्यूलर किचन मिल जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेनाइट का वर्क का आपका वर्किंग स्टेशन रहने वाला है। एंड यहाँ पे आपको चिमनी के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। कैबिनेट्स देख सकते हैं आपको बहुत ही प्यारे स्मूथ कैबिनेट्स स्लाइड डोर के साथ में मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे जो आप ये स्पेस देख रहे हैं ये स्पेशली आपको आपके बिग साइज के फ्रीज के लिए मिल जाता है। एंड ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, आप आराम से यहाँ पे अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा वो आराम से वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आपके फर्स्ट मास्टर बेडरूम की ओर। यहाँ से होती है आपके फर्स्ट मास्टर बेडरूम के एंट्रेंस। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चमचमाती टाइल्स के वर्क के साथ में एंड काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ में आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम रहने वाला है। वॉल आप देख सकते हैं आपको बहुत ही प्यारा यहाँ पे वॉल मिल जाता है। एक बार आप नज़दीक से देख लीजिए, फोर सेलिंग देख लीजिए, कलरफुल लाइटिंग के वर्क के साथ में आपकी फोर सेलिंग रहने वाली है। एंड यहाँ पे आपको एसी के लिए सेपरेट पॉइंट भी मिल जाता है। ये आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम, वेस्टर्न सीट के साथ में आपका अटैच वॉशरूम रहने वाला है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हाइट तक आपको टाइल्स का वर्क मिल जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर टाइम में डंपलेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ जाती है आपकी बिग साइज की वार्डरोब, आयरन के बेस्ट क्वालिटी के साथ में आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल जाती है। एंड यहाँ पे अटैच आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी, काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको यहाँ पे वॉशिंग एरिया मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे बिग साइज की अगर वॉशर मशीन स्टोर करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, आप आराम से अपने क्लोथ्स वॉश कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आपके सेकंड बेडरूम के टूर पे, जिसे आप गेस्ट रूम के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे साथ एंड तक बना रहे। यह जाता है आपका जस्ट आपके फर्स्ट मास्टर बेडरूम के जस्ट सामने आपका सेकंड बेडरूम। इसे आप अपना गेस्ट रूम के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। एंड वॉल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे कलरफुल कलर के साथ में आपको बहुत ही प्यारा वॉल मिल जाता है। फोर सेलिंग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाती है आपकी बिग साइज की विंडो, वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है। प्रॉपर एयर सनलाइट आपको यहाँ से मिलती रहेगी एंड गर्मियों के टाइम में आप चाहें तो यहाँ पे बिग साइज का अपना कूलर भी स्टोर कर सकते हैं। यह आ जाती है आपकी फर्स्ट एंट्रेंस, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में आपसे की थी। तो अब चलते हैं आपके फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर का टूर करने के बाद में फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे, वहाँ पे हम करवाएंगे आपके थर्ड मास्टर बेडरूम का टूर। तो मेरे साथ अभी भी बने रहिए। तो यहाँ से हम चलते हैं आपके थर्ड बेडरूम की ओर। विंटर टाइम में आप यहाँ पे अपना जो भी कूलर होता है उसको आप स्टोर करके इस स्पेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड यहाँ से हम आ गए हैं आपके फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको आपका जो कॉमन वॉशरूम होता है वो दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी टाइल्स का वर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है। वेस्टर्न सीट आपकी यहाँ पे रहने वाली है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी टाइल्स का वर्क आपको मिल जाता है। ये जो स्टेयर्स है ये आपको टेरेस पे ले जाती है। एंड यहाँ से भी एक बार आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, सराउंडिंग एरिया देख सकते हैं। काफ़ी बसावट वाली आपकी यहाँ पे कॉलोनी रहने वाली है। यहाँ पे आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम, इसके साथ में आपको मिल जाती है अटैच बालकनी, जो कि बहुत ही स्पेस के साथ में रहने वाली है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल का आपको यहाँ पे वॉक मिल जाता है। आप एक बार नज़दीक से देख ले, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स डिज़ाइन में एंड कलर के साथ में आपका वॉल रहने वाला है। एंड फोर सेलिंग देख लीजिए, फोर सेलिंग में भी आपको लाइटिंग का वॉक मिल जाता है। एंड यहाँ पे आ जाती है आपकी बिग साइज की वार्डरोब, यहाँ पे भी आयरन की क्वालिटी के साथ में आपके वार्डरोब रहने वाली है। यहाँ पे आपको विंडो भी मिल जाती है, प्रॉपर एयर सनलाइट आपको यहाँ से मिलती रहेगी।
एंड ये आ जाती है आपकी अटैच बालकनी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ में आपकी अटैच बालकनी रहने वाली है। एंड यहाँ से भी एक बार आप फोर्थ सेलिंग का वर्क देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल लाइटिंग के वर्क के साथ में आपका फोर्थ सेलिंग का वर्क रहने वाला है। तो अब आपके विला का टूर करने के बाद में कर लेते हैं प्राइस की बात। तो प्राइस की जहाँ तक मैं बात करूँ, 37 लाख में आपका विला होने वाला है। नंबर आपको स्क्रीन पे बिलिंग करें, तो जल्दी से जाएं हमें कॉन्टेक्ट करें। मैं आपकी होस्ट फ्रेंड एंकर निशा एक बार फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत।